खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज एक बहुत ही दुखद खबर आई। 3 बार दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित नहीं रही। दोपहर 3:55 पर दिल्ली के स्कॉट्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और कल दोपहर 2:30 निगम बोध घाट पर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार होना है। तो शीला दीक्षित का यूं जाना हर किसी को दुखी कर गया है। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही, सांसद भी रही, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि रही। इनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो दबंग भी थी, दयालु भी थी, और दिल्ली की जो तस्वीर बदली उसमें बहुत बड़ी भूमिका शीला दीक्षित की। और आखिरी वक्त तक राजनीति में वो सक्रिय रहीं। न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री वो रहीं, बल्कि केरल के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और 2017 में यूपी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने प्रोजेक्ट भी वहां पर किया था। और हाल में भी बहुत सक्रिय रहीं, हाल के दिनों तक दिल्ली में बहुत एक्टिव रहीं शीला दीक्षित। हालांकि बीमार चल रही थी, इलाज उनका काफी वक्त से हो रहा था, लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि यूं शीला दीक्षित चली जाएंगी। हर कोई गमजदा है, दुखी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज निधन हुआ। यह दुखद समाचार सभी के बीच पहुंचा और इस समय एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। आज सुबह ही उन्हें जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के स्कॉट अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल यहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। 3:55 पर डॉक्टर्स ने उनकी मृत्यु की का समय बताया है और इस समय यहाँ पर आप जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं उनके एक अंतिम दर्शन के लिए और अभी यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। और ये जो घर दरअसल है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ये उनकी बहन छोटी बहन का घर है और यहाँ पर साथ ही में पास में ही उनका खुद का भी घर है और इसी जगह पर फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। और एक बेहद गहरी क्षति है ये दिल्ली ही नहीं देश की राजनीति के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक कद्दावर मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि थी, 15 साल उन्होंने लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और जिस तरह से दिल्ली को एक के बाद एक कई उपलब्धियां दी, कई फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली की शान कही जाने वाली। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जो कुटुंब के सदस्य हैं, उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। वो दुख सहन करने की शक्ति उनमें आने दो, ऐसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जो श्रीमती शीला दीक्षित जी का जो निधन हुआ है, ये बहुत ही एक बहुत बड़ा धक्का और दुखद घटना हमारे लिए है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, तमाम नेता किस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो तो हम आगे आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन शीला दीक्षित की अगर बात की जाए, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा और जिस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, कोई दाग नहीं। आप सोचिए जरा, लोग आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, जन सरोकार की राजनीति करती रहे शीला दीक्षित। ये 2 तस्वीर अब आपके सामने है। पहली तस्वीर पुरानी तस्वीर है जो हम आपको फाइल फुटेज दिखा रहे हैं, दूसरी उनके घर पर आप देख सकते हैं मातम पसरा हुआ है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, घर पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कल अंतिम संस्कार होना है। शीला दीक्षित की जो छोटी बहन है उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर फिलहाल रखा गया है। बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ, जिन्होंने शीला दीक्षित के घर जाकर के उनका आशीर्वाद लिया था। सर, एक दुखद खबर है ये, बहुत विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शीला जी नहीं रही। अभी तो मिल के आए थे हम, और मिली भी ऐसे थी जैसे उन्होंने बड़ा बड़प्पन दिखाया था, बहुत बड़प्पन दिखाया था। वो जितनी बड़ी लीडर थी, मैं समझता हूँ दिल्ली में या देश में जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए एक उदाहरण भी हैं। वो एक माँ भी था उनके अंदर, जो मैंने महसूस किया था अपनी आखिरी मुलाकात में। हालांकि मैं चुनाव भी लड़ा उनके खिलाफ, और मैं जब राजनीति में नहीं था तब भी उनसे मिलता था। बट अचानक मैं रास्ते में था, जा रहा था, हम लोगों की बहुत सदस्यता अभियान को लेकर के 8 प्रमुख कार्यक्रम थे, सार्वजनिक कार्यक्रम, ITO से पास कर रहा था, जब मुझे मैसेज आया। मैंने थोड़ा सा कंफर्म किया और फिर धीरे धीरे विश्वास करने को मजबूर होना पड़ा कि शीला जी नहीं रहीं, शीला दीक्षित जी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको, उनके सभी जितने प्रशंसक हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उनको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे ईश्वर। दिल्ली कांग्रेस के नेता है राजेश लिलोठिया, आखिरी वक्त में शीला दीक्षित से उन्होंने बातचीत की थी। क्या कह रही थी उस वक्त शीला दीक्षित, आपको सुनवाते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है राजेश लिलोठिया, जो कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शीला जी, से कुछ देर पहले गुजरी, कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है दिल्ली के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। शीला दीक्षित जी के साथ में व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत लंबा समय काम करने का मौका मिला। एज ए MLA मैं व्हिप था उनके साथ में, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और इतना बड़ा उन्होंने हम लोगों को एक वर्किंग एक्सपीरियंस दिया। शी वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लेडी, एंड शी वर्क टिल हर लास्ट ब्रेथ। ये बताइए, इतने लंबे समय तक आपने उनके साथ काम किया, कोई ऐसा अनुभव आपको याद होगा, ऐसी बात जो आपको याद हो कि इस समय उन्होंने कहा था, और कुछ ऐसी चीजें? मैं तो कल की बात बताऊंगा, कल मैं उनसे लास्ट टाइम जब मिलकर आया तो शी वॉज हैविंग अ डिनर, और उस वक्त में भी उनके जो स्वभाव में जिस तरीके से एक माँ का एक ममता होती है उस तरीके की थी। पूछा कि क्या तुमने कुछ खाया, खिलाने के लिए जिद की, और जो उन्होंने जब हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने जो आखिरी बात कही थी वो ये कही थी कि मैं आखिरी सांस तक काम करना चाहती हूँ। कब की बात है? अभी जब हॉस्पिटल वाइज थी, बोली कि मेरे को काम करने का शौक है, और बल्कि वो अपने स्टाफ को डांट रही थी कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको रोका मत करो, और इस शर्त के ऊपर डॉक्टर्स के यहाँ पर रुकी कि डॉक्टर्स को ये कहा उन्होंने कि जो लोग मिलने के लिए आएंगे मैं हॉस्पिटल में तब रुकूंगी, तब आप उनको अलाउ करेंगे कि मुझे मिलने दिया जाए। तो उनका लोगों के साथ में इस तरीके से एक मिलनसारी और इतना अपनापन जो था, शायद वही उनको महान बनाता है। और देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल तक ये पदभार संभाला था। इस बीच एक जानकारी हमें मिल रही है, आपको भी बता दें कि दिल्ली में राजकीय शोक घोषित किया गया है। दिल्ली में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जो निधन हुआ है उसी शोक के लिए ये राजकीय शोक घोषित किया गया। दिल्ली सरकार ने शोक का ऐलान किया है। और मेरे साथ महाबल मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। शीला दीक्षित के साथ उन्होंने बहुत करीब से राजनीति भी की। महाबल मिश्रा जी, शीला दीक्षित की अगर बात की जाए तो ऐसे नेताओं में थी जिनका जाना ऐसा लगता है मानो किसी युग का अवसान हो गया हो। उनके स्वभाव में एक तरफ हमने दबंगई भी देखी प्रशासकीय कामों में, जबकि दयालुपन भी था जब जन सरोकार की बात होती थी। आवाज कट गया जी। महाबल जी, मुझे क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज कट गया तो शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। महाबल मिश्रा से हम दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने लगातार आपको बताया, शीला दीक्षित का बहुत जी। महाबल मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। आप शीला दीक्षित के बहुत जी मैं ये पूछ रहा हूं सर कि आपने बहुत करीब से शीला दीक्षित को देखा, उनके साथ लंबा आपका अनुभव रहा राजनीति का, किस तरीके से उनके व्यक्तित्व को इस वक्त आप याद करते हैं?
देखिए पद बड़ा नहीं होता, उनके कृतित्व व्यक्तित्व बड़ा होता है। तो शीला जी ने अपनी कृतित्व से पूरे दिल्ली में, और जो कांग्रेस में एक रिक्त स्थान हुआ कोई पूरा नहीं कर सकता, दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा शायद एक प्रेरणा बनकर रह जाएगा, इतिहास बनकर रह जाएगा। 1997 जब मैं काउंसिलर लड़ा था, वो अध्यक्षा थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थी। 97 से काउंसिलर लड़ा, 98 में एमएलए लड़ा, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए, 2009 में पार्लियामेंट गया। उनकी प्यार और स्नेह, जब भी उनके घर में जाते था तो उन्होंने दिल्ली की विकास की चिंता करती थी और हमेशा दिल्ली के विकास के बारे में पूछती थी किस तरह से मैं विकास करूं। तो आज दिल्ली के विकास का योगदान जो उनका है कोई भुला नहीं सकता, किसी भी विरोधी आदमी को भी कभी अपशब्द नहीं कहा। तो ये उनकी व्यक्तित्व की पहचान थी। आज हम लोग स्तब्ध हैं, सिर्फ मैं स्तब्ध नहीं हूँ, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग स्तब्ध नहीं है, पूरे दिल्ली की जनता आज उनको देख स्तब्ध है जी। क्योंकि जब भी मेट्रो की बात करूं, सीएनजी की बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम की बात करूं जी, तो आज दिल्ली में जो भी फ्लाई ओवर की बात करें, दिल्ली को सुंदर बनाने में योगदान, चाहे अनथराइज कोनी के विकास की बात करें, चाहे झुग्गी झोपड़ी को अपलिफ्ट करने की बात है, तो जहां तक वो पोस्ट कॉलोनी को देखती थी तो उससे कहीं ज्यादा वो निम्न कॉलोनी को भी, अनथराइज कॉलोनी को भी, रिसेटलमेंट कॉलोनी के बारे में हमेशा दिल्ली के विकास के बारे में उनका चिंतन था जी, चिंतन था जो दिल्ली का किस तरह से विकास हो वो आज दिखता है। और एक महाबल जी, एक और बात का मैं यहाँ पर जिक्र भी करना चाहूंगा, जिस दौरान मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उस दौरान मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा, मैंने कई मौकों पर देखा गाड़ियों का भी कोई लंबा चौड़ा काफिला लेकर नहीं चलती थी शीला दीक्षित। और एक खास बात मैं देखता था कि अक्सर ड्राइवर के बगल में कार की अगली सीट पर बैठती थी, पब्लिक कनेक्ट ताकि रहे, जो लोग बगल से गुजरते थे हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जाती थी। वो कभी भी हाई प्रोफाइल नहीं बनी, बल्कि हम लोग कमरे में जाते थे, गेट दरवाजा स्वयं खोलती थी, कभी कभी हम लोग शर्माते थे अपने खोलने आती थी, तो उनमें एक बहुत बड़ेपन थी। और बीच में रोक रहा हूं, दरअसल जो इस वक्त अब सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा वो दर्शकों को हम जो दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। विजय गोयल को आपने देखा इन तस्वीरों में, पार्थिव शरीर जो शीला दीक्षित का रखा गया है, लोग वहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। शीला दीक्षित की जो छोटी बहन है उनका घर, जहां पर पार्थिव शरीर शीला दीक्षित का रखा गया है, आप देखिए किस तरीके से वहां पर हर आंख गमगीन है। कई जर्नलिस्ट भी वहां पर पहुंचे हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और ये उनके बेटे भी नजर आए, संदीप दीक्षित को आपने देखा। हर कोई गमजदा है, दुखी है यूं शीला दीक्षित का जाना। और एक खास बात शीला दीक्षित की ये भी रही, आम या खास दोनों की चहेती रही, आम लोगों से भी उनका उतना ही संपर्क था, मिलना जुलना था, जितना खास लोगों से, दोनों ही तबके में उनकी लोकप्रियता थी। और ऐसे में जाहिर तौर पर हर कोई दुखी है, और एक जिंदा दिल इंसान रहे शीला दीक्षित। आप सोच सकते हैं उम्र के बावजूद लगातार राजनीति में सक्रिय रहना, पब्लिक कनेक्ट रहना, लोगों से मिलना जुलना। जेपी अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुनते हैं कुछ कह रहे हैं। जीवन होता है, खट्टी मीठे भी होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन उसको हल करने की नीयत होनी चाहिए। वो नीयत उनके अंदर थी कि अगर कोई समस्या आई बैठो बात करो और फैसले ले लो, हल कर लो उसको। अगर मान लो ज्यादा नाराजगी हुई तो घर आ जाती थी, तो ये बड़प्पन की निशानी थी। तो मुझे, मेरा तो बड़ा अच्छा अनुभव उनके साथ रहा और उनके साथ काम करना अच्छा लगा। एक कमी है जो बहुत दिन तक महसूस की जाएगी। वाकई में जेपी अग्रवाल जो बात कह रहे हैं वो है, कांग्रेस के लिहाज से तो बिल्कुल है, एक बहुत बड़ी कमी अब कांग्रेस को यहां महसूस होने जा रही है, एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गई है शीला दीक्षित। और अंजलि सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, शीला दीक्षित का जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। अंजलि, अंतिम संस्कार को लेकर क्या और जानकारी मिल पा रही है?
जो देखिए फिलहाल निजामुद्दीन ईस्ट में ही जो उनकी बहन का घर है वहाँ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और कल कांग्रेस दफ्तर में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और इसके बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एक अपूर्णीय क्षति। और आपको बताएं कि लोग यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो गए जैसे ही यहाँ पर सूचना मिली और न सिर्फ उनके कार्यकर्ता उनके साथ में काम करने वाले बल्कि वो तमाम लोग जो उन्हें ऐसे ही जानते थे या दिल्ली की राजनीति की छवि जो उन्होंने एक बनाई उसको देखते हुए भी लोग यहाँ पर आए और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा तो लोगों की आंखों से आंसू उमड़ गए और ऐसा ही उनका सरल जो सादा व्यक्तित्व था उनका एक राजनीतिक करियर जो रहा है जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार चलाई है वो वाकई एक मिसाल है सभी के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदेश भी इस समय हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है। आदेश, एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर और हाल ही में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। देखिए अंजलि, शीला दीक्षित के नाम की जब भी हमेशा दिल्ली में बात होती तो लोग कहते थे कि शीला दीक्षित को वापस लेके आइए क्योंकि जो उन्होंने बदलाव 15 साल में किए यहाँ पे उसका कोई अल्टरनेट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था और उसी के चलते लोकसभा चुनाव से पहले उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और जब यूपी का चुनाव था 2017 में तो गांधी परिवार के कहने पर उनको यूपी का सीएम डिक्लेयर किया गया, हालांकि बाद में वापस ले लिया गया। यानी कितनी उनकी क्लोजनेस थी गांधी परिवार के साथ और खासतौर पर सोनिया गांधी के साथ, ये उसका उदाहरण है। और जब लोकसभा चुनाव से अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी छवि के कारण कि हमारे पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं, भले ही वो उनकी उम्र 80 के आसपास हो गई थी लेकिन उनको वो कार्यभार दिया गया और अब तैयारी चल रही थी कि विधानसभा चुनाव भी उनके लीडरशिप में लड़ा जाए, लेकिन उससे पहले इनका निधन हो गया जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी का। और जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी खुद यहां पहुंचने वाली है क्योंकि काफी नजदीकियां मानी जाती थी दोनों की आपस में। और इसके अलावा पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि बहुत सारी खबरें आई पीसी चाको और शीला दीक्षित के बीच, बहुत सारे पत्र लिखे गए कि मैं आपके काम से खुश नहीं हूं और शीला दीक्षित अपना काम करती जा रही थी, तो उनका जो डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे अगर काम करना है तो करना है, उन्होंने लिखा था अपने आखिरी पत्र में कि मेरा काम करने का तरीका ऐसे ही है, मैं ऐसे ही काम को बांट के करती हूं, जब मैं मुख्यमंत्री तभी मैंने ऐसे काम किया और अब जब मैं संगठन चला रही हूं तब भी ऐसे काम कर रही हूं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शीला दीक्षित का ऑल्टरनेट दिल्ली कांग्रेस के पास एटलीस्ट नहीं था। और देखिए कल जब 12 बजे उनका शरीर कांग्रेस मुख्यालय में जाएगा अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर, तो ये अपने आप में एक सिंबोलिज्म है, एक रिस्पेक्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो हमारी बड़ी नेता थी क्योंकि वो दिल्ली की अध्यक्ष थी, 3 बार मुख्यमंत्री रही, इसके अलावा उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई, तो ये एक सिंबोलिज्म है कि उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में कर रही है। कि ये तय कौन करता है? ये तय गांधी परिवार ही करता है कि किसका शरीर वहां लाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पहले हैं कि जिनको ये रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन शीला दीक्षित के नाम पर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरी पार्टी में क्षति है और दिल्ली कांग्रेस में तो उनका कोई अल्टरनेट अभी तक पार्टी के पास है ही नहीं। अजय माकन अध्यक्ष रहे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही तो उन्होंने खुद से अध्यक्ष पद छोड़ दिया, फिर शीला जी को ये मौका दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आज इनका देहांत हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है जिससे उभर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई बहुत बड़ी क्षति है और जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने भी कहा कि ये इस क्षति को पूरा कर पाना कांग्रेस के लिए दिल्ली में काफी मुश्किल होगा। और उनकी जिस तरह से शीला दीक्षित को लोग याद करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी कार्यशैली को लोग याद कर रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले तमाम काउंसिलर्स विधायक जो उनके समय में रहे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके तमाम चाहने वाले इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की आंखें उनको याद करके नम है। बिल्कुल अंजलि, और आप लोगों ने एक बड़ी जानकारी ये भी दी है कि कांग्रेस के दफ्तर में कल पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा शीला दीक्षित का, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और देखिए शीला दीक्षित की हम अगर बात करते हैं तो अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम दलों में उनकी स्वीकार्यता थी। आपको सुनवाते हैं शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेहद आत्मीय संबंध थे बीजेपी के शाहनवाज हुसैन से, जिनके हर बार वो ईद पर घर आती थी। और इस समय शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आपसे संबंध रहे हैं और हम सबको बहुत दुख है एक बड़े नेता के गुजरने का। शीला जी एक बहुत बड़ी नेता थी, बहुत बड़े दिल की थी और शीला जी हरदम मुस्कुराती रहती थी। मैं जब भारत सरकार मंत्री था तब मेरा उनका परिचय हुआ और 99 में 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शीला जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनके बहुत अच्छे संबंध, कभी भी वो विकास में पार्टी को आने नहीं दिया उन्होंने। दिल्ली के विकास में केंद्र से
एक भी मुद्दे पर उनका तनाव नहीं हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, जबकि दो दल के थे। फिर उन्होंने कहा कि अटल जी के साथ बैठ बैठ के वो बहुत सारी चीजें दिल्ली के लिए ले आती थी। वो अटल जी के पास जब जाती थी तो कोई चीज वो कहती थी, कुछ मना नहीं किया अटल जी ने। तो दिल्ली के विकास के लिए, क्योंकि केंद्र का बहुत बड़ा, क्योंकि ये पूर्ण राजधानी नहीं है तो इसलिए केंद्र का बड़ा सहयोग चाहिए, तो उस सहयोग में कभी कोई कमी नहीं की अटल जी ने। और इन्होंने भी कभी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से कभी। और ये तस्वीर जो आप एक बार फिर से देख रहे हैं, शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हर आंख गमगीन है, लोग हैरान परेशान, यूं शीला दीक्षित चली गई। हालांकि बीमार तो थी काफी वक्त से, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसी बुरी खबर आएगी। दिल्ली के स्कॉट्स हॉस्पिटल में ही उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। और टीवी अभिनेत्री हैं अदिति, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि अदिति दरअसल शीला दीक्षित के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही हैं, और कल ही उनकी मुलाकात हुई थी शीला दीक्षित से। अदिति, आपकी बात हो पाई थी शीला जी से? हाँ जी, मेरी बात हुई थी। मैं अपनी टीम को लेकर गई थी और हमारे डायरेक्टर साहब, मैं, हमारी टीम के बाकी मेंबर्स, हम लोग सब गए थे। और मैम इतनी खुश थी, हम लोग एक्चुअली उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और हम लोग उनसे मिले। और जब मैंने उनको ये बताया कि मैं उनकी, मतलब मैं एक्ट्रेस हूँ, टीवी पे काम कर रही हूँ, मेरा सीरियल आता है सब टीवी पे बावले उतावले, तो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, तो इट वॉज सच अ मोमेंट फॉर मी। आई वॉज रियली हैप्पी एंड शी वॉज स्माइलिंग, देर वॉज अ ऑरा ऑन हर फेस एंड नो वन कैन से। दो जो हमारे दोस्त हमको वहां उनके पास ले गए थे, श्री हनराम सिंह जी, श्री ताहिर जी, उन लोगों ने हमें बताया था कि वो दो दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई हैं, और उसके बाद भी उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो बीमार हैं। वो अपने जनपुरा वाले निजामुद्दीन वाले घर में दो लाइक फ्लोर चढ़ के गई हैं, आप उनको अच्छा। देखकर नहीं कह सकते, उनके चेहरे पे एक तेज था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मतलब आई कांट टेल यू। एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो स्टे विद हर, स्पेंड सम टाइम विद हर। मैं बहुत चाहती थी उनके साथ आगे जुड़ना, और ये बहुत मेरे लिए भी बहुत दुख की न्यूज है। अदिति, आप ये कह रही हैं कि आपकी जब शीला दीक्षित से कल मुलाकात हुई तो हंसते मुस्कुराते हुए आपसे उन्होंने बातचीत की और बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही थी। वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही थी, वो बहुत खुश थी। शुक्रिया अदिति, वक्त इतना ही हमारे पास। और मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोतीलाल वोरा जी, शीला दीक्षित का यूं जाना, किस तरह से याद करेंगे आप उन्हें? हेलो जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप मोतीलाल वोरा जी? जी जी, शीला दीक्षित को किस तरह से आप याद करेंगे सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आप हैं? शीला दीक्षित के निधन का समाचार कर सुनकर बहुत दुखी हुआ हूँ जी। और शीला जी इतनी मिलनसार नेता थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल तक रही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही, उनके निधन से भारी क्षति हुई है जी। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी शीला दीक्षित से और क्या बातचीत हुई थी? मेरी तो उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी अन्य कार्यक्रमों में, और बहुत वो खुलकर बात करती थी समारोह में जब भी हम पहुंचते थे। पिछले दिनों में तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी, टेलीफोन पे अक्सर उनसे बात हो जाती थी जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल वोरा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और महाबल मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। महाबल मिश्रा जी, एक आखिरी आपसे प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा, जिस तरीके से शीला दीक्षित का देहांत हो गया, हम उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, व्यक्तित्व के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी स्वीकार्यता हर दल में थी, और आम लोग, खास लोग, कोई भी हो, हर जगह उनकी एक अलग तरह की पहचान थी, पब्लिक कनेक्ट अद्भुत था उनका। देखिए, शीला दीक्षित की पहचान, उनकी व्यक्तित्व की पहचान एक आम जन से लेके और अमीर तक में, मध्यम वर्ग तक में उनकी पहुंच थी, और कोई भी उनके घर गया तो उन्होंने बात सुनने में इनकार नहीं किया, खाना छोड़ के
और आती थी और सुनती थी, मैंने ये भी देखा है। और हमें तो एक बार मौका आया जो चाय उठा के चाय बना के और चाय उठा के लाई और मुझे चाय भी पिलाई, तो मैं कैसे भूल सकता हूं उन्हें। तो उनकी व्यक्तित्व की ऊंचाई इतनी थी जो कभी एहसास नहीं होने दिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के इतनी बड़ी नेता हैं। महाबल जी बीच में आपको मैं रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। वाकई में शीला दीक्षित का ऐसा ही उदार दिल था, इतना विशाल व्यक्तित्व था कि आज हर आंख नम है और पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है।